फ्रेंड्स, आज मैं घूमने निकल रहा था अमित के साथ में, तो रामा छोले भटूरे हैं हमारे घर के पास में। मैं सोचा आपको दिखाता हूँ, बहुत मशहूर है और बहुत अच्छा स्वाद है। हम भी लोग खाते रहते हैं लेकिन जो बहुत रेगुलर नहीं है, क्योंकि बहुत ऑयली होते हैं। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे बनते हैं और क्या पेट का रेट है और कितनी सेल होती है इनकी दिन में और कितने बजे तक चलता है। आप क्या स्विगी से आए हो? अरे नहीं भैया। अच्छा, खुद ही खाने आए हो? कितने टाइम से आ रहे हैं? स्विगी वाले आए। अरे यार, कई ऐसे खड़े हुए थे स्विगी वाले। नहीं नहीं, कितने टाइम से खा रहे हो आप? मैं 2-3 बार आया हूँ। बढ़िया लगे आपको? बढ़िया। कैसे रामा छोले भटूरे हैं जेल रोड पे और बहुत ज़बरदस्त रश है, कैसे बात नहीं हो पा रही। अंकल सुबह कितने बजे स्टार्ट कर देते हो? 7:30 स्टार्ट हो जाता है। और कितने बजे तक? 5:30 टाइम है, लेकिन शनिवार को ना आपका खत्म ही हो जाता है मेरे ख्याल में। 4:30-5 बजे खत्म हो जाता है। और कितनी पुरानी शॉप हो गई है अपनी? कितनी पुरानी है अपनी शॉप? 27-28 साल हो गए हैं। स्विगी जोमेटो सब पे आपका ऑर्डर जाता है? ये जेल रोड की लोकेशन है, इस पर आपको मेट्रो स्टेशन सामने तिलक नगर मेट्रो स्टेशन है। सर आप कितने टाइम से आ रहे हैं खाने? बढ़िया बढ़िया, यहीं आसपास ही रहते हैं कहीं? अंकल कितनी क्वांटिटी लग जाती छोले की पूरे दिन में? क्वांटिटी कितनी लग जाती है? हाँ, क्या अंदाजा? हम कंटिन्यू चलता रहता है, जो खाते हैं जितने बार बात करते हैं 50-60 किलो का 50-60 बढ़ भी जाता है जैसे डिमांड होती है। वीकेंड में ज़्यादा होता होगा? हम लोग करते जाते हैं। सैटरडे संडे में ज़्यादा डिमांड होती होगी? बहुत ज़्यादा डिमांड होती होगी। भैया आप कितने टाइम से खा रहे हो यहाँ पे? फर्स्ट टाइम साथ में आया, उन्होंने रिकमेंड। बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत बढ़िया, हमेशा ही रश रहता है यहाँ पर। तुमने नहीं खाने छोले भटूरे? खा लो, खा लो जाओ। फ्रेंड्स आज घूमने निकलो फ्रेंड के साथ, उसकी शक्ल नहीं दिखाया था, उसकी बीवी मारेगी क्योंकि उसको अगर उसकी शक्ल दिखा दी मैंने तो, इसलिए हम लोग शक्ल नहीं दिखाएंगे आपको। आप गैस करके बताना कमेंट में कि मैं किसके साथ आया हूँ। फ्रेंड्स आज हम लोग निकले थे, अमित ने बोला कि मम्मी से भी मिलना काफ़ी टाइम हो गया। मम्मी से मिला नहीं क्योंकि अमित मेरा काफ़ी पुराना फ्रेंड है, तो काफ़ी टाइम से मम्मी से मिला नहीं था, कोविड से पहले मिला हुआ है। तो हम लोग मम्मी से मिलने आए हैं, कोल्ड ड्रिंक मिले फ्रेंड्स, मम्मी के पास आ गए और अमित अभी आ रहा है ऊपर मिलने के लिए। करण आ चुका है स्कूल से? आ गया अभी आया। करण स्कूल से आ चुका है, थका हुआ लग रहा है बहुत। मुझसे आंटी कैसे हो? बहुत टाइम बाद मिल रहा है मुझे आपसे, है ना? हाँ, बहुत लंबा टाइम हो गया काफी। मैं वहाँ आया था। करण से मिला पहले? देखो आपने करण को? पहले नहीं देखा आपने करण को? छोटे देखा होगा? नहीं, पहले आया था मैं आशा, छोटे होते जब वो जो बंगला साहब के सामने घर है। करण के दोस्त बन गए चिड़िया सारी की सारी होते हैं हमारा भी चिल्ला रही हो। ये छोड़ देता है बाहर कमरे में भी, फिर वापस आ जाता है, पकड़ लेता है फिर उसके बाद। पकड़नी पड़ती है ना करण? हाथ में आ जाती है अपने हाथ में आके बैठ जाती है। जा रहे हैं हम लोग, अमित यहाँ इसका दोस्त रहता था यहाँ पे, यहाँ से स्कूल देख अमित भगवान की लीला, इन दोनों को छोड़ने जाती थी, पापा छोड़ने जाते, मैं लेने जाती। फ्रेंड्स हम आ गए चाणक्यपुरी, आपको पता ही है हमारा फेवरेट स्पॉट है चाणक्यपुरी। आज देखते हैं क्या करते हैं चाणक्यपुरी में, वेदर भी बहुत बढ़िया है और नवरात्रि भी खत्म हुए हैं, देखते हैं कोई मस्ती वस्ती मारते हैं, आपको पता ही है मस्ती का मतलब क्या होता है। पहुंच गए बस हम लोग तो अपने फेवरेट स्पॉट पे आ गए हैं, और अब फेवरेट जो खाना है हम लोग खाते हैं यहाँ पे आगे, रोस्टेड वो खाएंगे। फ्रेंड्स आप आज हम लोग आए हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? चाइनीज बाइट ना, चाइनीज बाइट की किचन में आए हैं हम, चिली चिकन ड्राई खाते हैं, आपको दिखाते हैं बनता कैसे है यहाँ पे। ऊपर स्पेशली मैंने से परमिशन ली है किचन में शूट करने के लिए। ये हमारे शेफ हैं, आपका नाम क्या है? कुमार। ये बनाएंगे हमारे लिए हाफ चिली चिकन ड्राई। पकौड़ा फ्राई बना दिए। अच्छा पकौड़ा फ्राई कर रहे हो, किस में करते हो मैरिनेट, किस में करते हो? मैदा और अरारोट मसाला क्या क्या डालते हो? अजीनोमोटो और मिर्च में, मिर्च, रेड चिली, रेड चिली और काली मिर्च सब डाल के, काली मिर्च वगैरह सब डाल के फिर की पेस्ट तैयार होती है। तो पहले आप पकौड़ा बनाते हो, लहसुन की पेस्ट भी डालते हो इसमें। फिर से पकौड़े चले जा रहे हैं पहले चिकन के, चिली चिकन बनाने से पहले। अब यहाँ पे मसाला तैयार करेंगे चिली चिकन का, ये तैयार हो रहा है मसाले, क्या डाल रहे हो? अदरक लहसुन की पेस्ट, कौन सा पानी? चिकन का सूप का। अब इसमें चिकन का सूप का पानी भी डाला है इन्होंने फ्लेवर के लिए, ताकि और अच्छा फ्लेवर आए चिकन का। ठीक है, ये सोया सॉस डाल रहा है थोड़ा सा, जितना क्वांटिटी उस हिसाब से वो डाल रहे हैं। अब ये क्या है?
हल्का सा कॉर्नफ्लोर डल रहा है इसमें ताकि जो अच्छी तरह चिपक जाए उसके ऊपर। हल्का सा कलर डाल भी सकते हैं, हल्का सा कलर डाल रहे हैं वो, थोड़ा सा रेड कलर आ जाएगा चिकन के ऊपर। इसलिए ये मसाला तैयार हो गया और अब ये चिकन भी फ्राई हो गया है। क्रंची चिकन है, पक गया है पूरा अच्छे से, तो अभी मसाले में डालने लगे हैं। और थोड़ा धनिया डाल रहे हैं हरा फ्लेवर के लिए। रेडी है अभी, आपको भी खा के बताते हैं नीचे जाके। फ्रेंड्स ये चिकन रेडी होके आ गया है, बहुत टेम्प्टिंग लग रहा है, अभी खा के आपको बाद में टेस्ट बताते हैं। थैंक यू भैया।